दोस्तों आपको याद होगा Realme 5 आया था, वो स्मार्टफोन अच्छा स्मार्टफोन था, उसका ही सक्सेसर अब लॉन्च हो गया है भारत में जिसका नाम है Realme 5S। इस स्मार्टफोन में वो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो एक बजट के स्मार्टफोन में होनी चाहिए। अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं बजट का स्मार्टफोन तो डेफिनेटली आपको Realme 5S पसंद आने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में Realme 5S के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। जानकारी देने से पहले दोस्तों मैं आपको चीज़ और बता दूँ कि ये स्मार्टफोन आपको 29 नवंबर को फ्लिपकार्ट पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये मोबाइल पसंद आता है तो जा करके 29 नवंबर को फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, लेकिन परचेज तो तब करोगे, पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जब फ्रेंड सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे Realme 5S की डिज़ाइन और डिस्प्ले को लेकर के, तो मैं आपको बता दूँ इसमें बैक में आपको 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको फिजिकल टच वाला फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। बात करें हम लोग यहाँ पे दोस्तों इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो 6.5 इंच की आपको इसमें नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मैं आपको चीज बता दूं, ये आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 4GB 64GB और 4GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो और हाँ ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। चले दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, USB पोर्ट के साथ आएगा। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है Realme 5 में भी 5000mAh की बैटरी देखने को मिली थी, वही बैटरी आपको सेम इसमें देखने को मिल जाती है। वैसे दोस्तों मैं आपको चीज़ और कहना चाहूँगा, Realme ने अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च किए थे जिसका नाम था Realme X2 Pro और Realme 5S। वैसे हमने Realme X2 Pro पर भी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये Realme X2 Pro Realme की तरफ से पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है 25 से 30 हज़ार रुपये का, तो जा करके एक बार उस वीडियो को देखें। अगर नहीं भी खरीदना चाहता तब भी आप उस वीडियो को जाकर के देख लें, देखें कि Realme के फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे Realme 5S के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको Qualcomm का Snapdragon 665 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छा प्रोसेसर। पहले दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके कैमरे के बारे में, इसमें आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। इसका 48 मेगापिक्सल का रियर सेंसर दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का इसमें आपको वाइट एंगल सेंसर देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें माइक्रो शॉट देखने को मिल जाता है, अगेन 2 मेगापिक्सल का लास्ट वाला है इसमें आपको पोर्ट्रेट शॉट लेने के लिए देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बैक के कैमरे इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करना चाहूँ इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो कैमरे बैक में इंटरेस्टिंग दिए गए, फ्रंट का कैमरा 13 मेगापिक्सल का कोई बात नहीं, लेकिन बैक में आपको 4 कैमरे देखने को मिल रहा है जिसका सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। चलो दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहां पे इसकी लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में, तो आपको बता दिया मैंने पहले से, 29 नवंबर को इसकी पहली सेल होने वाली है 12 बजे से फ्लिपकार्ट के ऊपर। रही बात दोस्तों इसकी प्राइस की, तो मैं आपको बता दूं 4GB 64GB वाले वेरिएंट की जो प्राइस रखी गई वो 9999 पर रखी है, वहीं 4GB 128GB वाले वेरिएंट की जो प्राइस रखी गई है वो 10999 पर रखी है, मतलब 1000 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे अगर आप स्टोरेज ज्यादा परचेज करते हैं तो। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा जाते जाते, 10000 रुपए की प्राइस में क्या आपके लिए वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं है? मुझे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पसंद आया। मैं आपको बता दूं इसकी जो सीधी टक्कर है ना वो Redmi Note 8 के साथ हो रही है, क्योंकि इसमें आपको वही सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो कि Redmi Note 8 में आपको देखने को मिलती हैं। चले दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और Realme 5S के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी और आपका माइंड सेट भी क्लियर हो गया होगा कि आपको Redmi Note 8 परचेज करना चाहिए या Realme 5S परचेज करना चाहिए। दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कमाल के, जैसा कि हमने आपको पहले से ही बता दिया है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार बने हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड टाइम।